हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा, प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्किल के बारे में बता दूंगा कि स्किल की इम्पोर्टेंट कितनी है आपकी फ्रीलांसिंग करियर में। तो आपके पास स्किल जो ऑनलाइन हमें चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए, वो बहुत सारे हैं। जैसे डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, और कंटेंट राइटिंग है, स्क्रैपिंग है, और बहुत सारे ऐसे जैसे डेटा एंट्री भी हैं। उसके लिए तो स्किल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो स्किल में हमारे पास, अगर मैं बात ये करूं कि आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप जाके ड्राइविंग सीख लेते हैं। तो ड्राइविंग जब सीखने के बाद, एक महीने के बाद जब आप सीखेंगे तो आप कार ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप इतनी माहिर नहीं हैं कि जितनी आप इसको बहुत स्पीड के साथ चला सके और कोई एक्सीडेंट भी ना हो। तो अगर इसको और भी हम हाई लेवल पर ले जाए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बस दे दे या आपको ट्रक दे दे कि आप इसको चलाओ, तो आपको दुश्वारी पड़ सकती है कि मैं अभी बस की जो ड्राइविंग है वो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो अंदाज़ा है वो मुख्तलिफ हो सकता है और यकीनी तौर पर वो मुख्तलिफ है। तो हमारे सारे दोस्त ऐसे हैं जो स्किल्स के बगैर कहते हैं हमें स्किल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम कमा सके, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, आपके पास स्किल होनी चाहिए और स्किल भी ज़बरदस्त। यानी कि अगर आपके पास कार चलाने की स्किल है, आप बस नहीं चला सकते, तो ये भी एक काफ़ी आपके पास क्या होगा, आप दुश्वारी का सामना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेवलपमेंट करना आता है तो मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ, लेकिन उस लेवल पर नहीं जो कि बस चलाने के मुतरादिफ हो। तो इस लिहाज से आपको जो भी वर्क मिले, जैसे अगर आपको ऐप डेवलपमेंट से लेकर, वेब डेवलपमेंट से लेकर जो भी चीज़ हो, इतनी एक्सपर्ट हो कि फर्स्ट टाइम अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर ले तो उसके बाद वो क्लाइंट हर प्रोजेक्ट पर आपको सेलेक्ट करने पर मजबूर हो, तब आप अच्छे खासे कमा सकते हैं। मेरा फील्ड जो डिज़ाइनिंग में, मैंने फर्स्ट टाइम फ्रीलांसर में काम किया था, तो मैं कम पैसे में काम कर रहा था। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब क्लाइंट ने मुझे देखा कि मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता हूँ हर फील्ड के अंदर डिज़ाइनिंग में, तो मैंने अपना रेट जो डिज़ाइनिंग का वो भी बढ़ा दिया, और साथ साथ मेरा जो रेटिंग सिस्टम है वो भी बढ़ गया। तो स्किल में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मेरे सारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बता दो जो कि बगैर स्किल के हम लोग कर सकें, या डेटा एंट्री का बता दो। डेटा एंट्री का तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप इनकम कमा सके, फ्रीलांसर में अपना जो रिप्यूटेशन है वो बढ़ा सके, तो आप अपनी स्किल को जितना हो सके उतना ही आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, freelancer.com भी है, फाइवर है, आपका अपवर्क है, ग्रू है, तो इसमें सारी जितनी वेबसाइट है सब पर यही टर्मिनोलॉजी जो है, आपका स्किल आनी चाहिए, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपके पास सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, उसको भी प्रेस कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।